हेलो दोस्तों, ये है चैप्टर 21 ज्योग्राफी सीरीज का और इस चैप्टर में हम बात करेंगे द वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट के बारे में। ये जो क्लाइमेट है ये हमें ईस्टर्न पार्ट में कॉन्टिनेंट्स के देखने को मिलता है कुछ इस तरह से वार्म टेम्परेट लैटिट्यूड्स में। जैसे हम ट्रॉपिक्स से ऊपर जाते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और नीचे जाते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में, यहाँ पे जो बारिश होती है वो सेम लैटिट्यूड में अगर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट से कंपेयर करें तो ज्यादा होती है। इसको हम चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट भी कह देते हैं क्योंकि चाइना के ये इतने बड़े हिस्से में पाया जाता है, पर चाइना टाइप इसकी एक सब क्लासिफिकेशन है। इसकी तीन सब क्लासिफिकेशन है, पहली है चाइना टाइप, दूसरी है गल्फ टाइप और तीसरी है नेटल टाइप। ये जो चाइना टाइप है ये हमें, जैसा कि हमने बात की, चाइना में देखने को मिलती है और सदर्न जापान में भी देखने को मिलती है। यहाँ पे जो बारिश का पैटर्न होता है ये मॉनसूनल पैटर्न होता है, इसलिए इसे टेम्परेट मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट भी कहते हैं। इसके बाद अगर हम गल्फ टाइप की बात करें तो ये हमें देखने को मिलता है साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में, ये गल्फ ऑफ मेक्सिको के आसपास। यहाँ पे भी थोड़ा सा मॉनसून पैटर्न देखने को मिलता है, जब कॉन्टिनेंट का पार्ट जो है वहाँ टेम्परेचर बढ़ता है गर्मियों के अंदर तो ठंडी हवा फ्लो करती है अटलांटिक ओशन से और बारिश लाती है। जो है वो नेटल टाइप, जो भी वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन है सदर्न हेमिस्फीयर के उन सबको हम नेटल टाइप कहते हैं। ये हमें देखने को मिलते हैं नेटल में, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, सदर्न ब्राजील में, पैराग्वे उरुग्वे में और नॉर्दर्न अर्जेंटीना में। यहाँ पे कोई खास मॉनसून पैटर्न देखने को नहीं मिलता है और बारिश पूरे साल ही होती है, इसलिए इसे हम टेम्परेट मॉनसून नहीं कह सकते। इन तीनों क्लाइमेट टाइप्स को हम और डिटेल में देखेंगे। पहले बात करते हैं क्लाइमेट की। जो वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन का क्लाइमेट होता है यहाँ पे समर्स जो है वो वार्म और मॉइस्ट होती है, ह्यूमिडिटी हाई रहती है, और जो सर्दियां होती हैं वो कूल ड्राई होती हैं, बारिश कम होती है। जो मीन मंथली टेम्परेचर है वो वेरी करता है 4.5 डिग्री सेल्सियस से 25.5 डिग्री सेल्सियस तक, और इस पे समुद्र का इन्फ्लुएंस अच्छा होता है, मैरीटाइम इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है क्योंकि ये समुद्र के पास है। कई बार कॉन्टिनेंट्स के अंदर से भी ठंडी हवाएं जो है यहाँ पर आती हैं और टेम्परेचर को गिरा सकती हैं। रेनफॉल की अगर बात करें तो वो मॉडरेट से ज्यादा होती है, 25 इंच से 60 इंच तक की बारिश हमें देखने को मिलती है, और इसलिए एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए ये इलाके अच्छे होते हैं और बहुत तरह तरह की क्रॉप्स यहाँ उगाई जाती हैं, और क्रॉप्स अच्छी उगती हैं तो पॉपुलेशन भी यहाँ ज्यादा देखने को मिलती है। अब जो तीन क्लासिफिकेशंस हमने देखी थी उनको एक एक करके डिटेल में देखते हैं। पहला है चाइना टाइप। जब चाइना का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है गर्मियों के अंदर तब यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवाएं चलने लगती हैं साउथ ईस्ट मॉनसून की फॉर्म में, और यहाँ पे अच्छी खासी बारिश होती है। अगर हम नानयिंग की बात करें चाइना में तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा बारिश हो रही है वो समर में हो रही है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। विंटर की अगर बात करें तो जो मंगोलिया और साइबेरिया के इलाके हैं वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है, और जो पैसिफिक के इलाके हैं कोस्ट के पास वहाँ गर्मी होती है, तो इसलिए ऊपर से हवाएं फ्लो करती हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से, नॉर्थ वेस्ट मॉनसून की फॉर्म में, और ये बहुत ठंडी और सूखी होती हैं। यहाँ पर जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, जैसा आप नानयिंग में देख सकते हैं जो डिफरेंस है गर्मियों और सर्दियों के टेम्परेचर का वो 25 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिलता है। जैसे जैसे हम नॉर्थ में जाते हैं ये डिफरेंस और बढ़ जाता है, साउथ में और कोस्ट के पास के इलाकों में ये डिफरेंस कम होता है। एक और इम्पोर्टेंट फीचर जो चाइना टाइप का है वो है टाइफून्स, जो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं। पैसिफिक ओशियंस में ये ओरिजिनेट होते हैं और फिर वेस्ट डायरेक्शन में मूव करते हैं, कोस्टलैंड्स को इफेक्ट करते हैं साउथ चाइना सी में। इनके कारण कई बार काफी नुकसान हो जाता है और बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है। अब बात करते हैं गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट के बारे में। जैसा कि हमने बात की ये नॉर्थ अमेरिका के इन इलाकों में देखने को मिलता है, यहाँ मॉनसून पैटर्न इतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता क्योंकि जो प्रेशर डिफरेंस है अमेरिका और अटलांटिक ओशन में वो इतना ज्यादा नहीं होता। अगर मियामी का एग्जांपल उठाएं तो यहाँ पे एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर 6-7 डिग्री सेल्सियस के अराउंड ही रहती है। जो ऑनशोर ट्रेड विंड्स हैं उनके कारण ही ये नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर देखने को मिलती है। समर्स जो होती हैं वो हल्की गर्म और प्लेजेंट होती हैं, इसलिए मियामी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हॉलीडे रिसोर्ट है, और सर्दियों में भी स्नोफॉल बहुत रेयरली ही होती है। जो एनुअल रेनफॉल है वो अच्छी खासी होती है, 59 इंच जो है मियामी में देखने को मिल जाती है। ऐसा कोई सूखा पीरियड हमें देखने को नहीं मिलता और मॉइस्चर जो है वो अच्छा खासा रहता है, और क्रॉप्स वगैरह उगाने के लिए ये फायदेमंद होता है। यहाँ पे कॉटन और मेज जो है वो बहुत ज्यादा उगाए जाते हैं। ओवरऑल बारिश समर में ही ज्यादा होती है और यहाँ पे हमें
हरिकेन्स देखने को मिल जाते हैं सितंबर और अक्टूबर में। कई बार वायलेंट टॉर्नेडोज भी देखने को मिलते हैं जो कि अगर लोकल हीटिंग बहुत ज्यादा हो जाए उसके कारण होते हैं। ये जो स्टॉर्म्स हैं ये एक बहुत ही नैरो पाथ को फॉलो करती है मिसिसिपी बेसिन में और ये भी अच्छा खासा डिस्ट्रक्शन कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं नेटल टाइप ऑफ क्लाइमेट के बारे में। सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जस्ट नीचे हमें ये देखने को मिलता है। तीन डिस्टिंक्ट एरियाज हैं जहाँ ये देखने को मिल जाता है। जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं वो पतले होते हैं, नैरो होते हैं यहाँ पे, और जो मैरीटाइम इन्फ्लुएंस है समुद्र का इन्फ्लुएंस वो ज्यादा होता है, इसलिए मॉनसून वाला पैटर्न तो हमें देखने को यहाँ नहीं मिलता। जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं वो इवन डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं रेनफॉल की पूरे साल, जैसे कि आप सिडनी ऑस्ट्रेलिया के इस चार्ट में देख सकते हैं। जो मीन मंथली प्रेसिपिटेशन है वो 4 इंच की रहती है और एग्रीकल्चर के लिए ये फायदेमंद होती है। एनुअल हमें 48 इंच तक की बारिश देखने को मिल जाती है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। और इसी तरह अगर नेटल में डर्बन की बात करें तो वहाँ 45 इंच और पैरागुआ के इलाकों में 52 इंच की बारिश हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पे बारिश थोड़ी सी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी ऑटम में या फिर विंटर में। अब यहाँ की जो विंटर है वो मई जून जुलाई के आसपास आएगी, ये चीज आप इस चार्ट में देख सकते हैं। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है वो यहाँ भी बहुत कम होती है, इतनी वेरिएशन नहीं होती। अब इन इलाकों में भी कुछ लोकल वायलेंट स्टॉर्म्स देखने को मिलती हैं, जो कि टाइफून हरिकेन की तरह इतनी ज्यादा सिवियर नहीं होती है पर फिर भी इनका अच्छा इम्पैक्ट होता है इन इलाकों में। पहला है साउदर्ली बर्स्टर जो कि एक वायलेंट ठंडी विंड है, कोल्ड विंड है, जो कि न्यू साउथ वेल्स के कोस्ट पे आपको देखने को मिलती है और अचानक टेम्परेचर को गिरा देती है। स्प्रिंग और समर में ये हमें ज्यादा देखने को मिलती है। इसी तरह जो अर्जेंटीना और उरुग्वे में है वो हमें पम्पेरो देखने को मिलती है। इसके साथ जो है रेन और डस्ट आपको देखने को मिलेगी। साउथ ईस्टर्न अफ्रीका में हमें गर्म सूखी विंड होती है बर्ज विंड, वो देखने को मिलती है और ये अंदरूनी इलाकों से आती है। जैसा हमने फॉन और चिनूक विंड्स की बात की थी ये वैसी ही होती हैं और हाई टेम्परेचर लाती हैं और टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं। अब बात करते हैं यहाँ की नेचुरल वेजिटेशन की। अब क्योंकि यहाँ पे बारिश अच्छी खासी होती है और पूरे साल ही बारिश देखने को मिल जाती है, इसलिए क्रॉप्स जो हैं वो तरह तरह की देखने को मिलेंगी। एवरग्रीन ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट भी देखने को मिलेंगे, डेसिडुअस ट्रीज भी देखने को मिलेंगे, प्लांट्स जैसे कि ग्रास, फर्न्स, लियानास, बैम्बूज, पाम्स वगैरह हमें देखने को मिलते हैं और हरियाली हमेशा ही रहती है इन इलाकों में। ये इलाके लकड़ी के लिए भी जाने जाते हैं, जैसा कि ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में यूकेलिप्टस ट्रीज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और दूसरी तरफ साउथ ईस्टर्न ब्राजील, ईस्टर्न पैराग्वे, नॉर्थ ईस्टर्न अर्जेंटीना से हमें मिलता है पराना पाइन और क्वाब्राचो जो कि एक बहुत ही हार्ड वुड होती है। इसके अलावा हमें यहाँ मिलता है वाइल्ड यर्बा मैट ट्रीज, इसके पत्तों से पैराग्वे टी बनाई जाती है। और नेटल के अंदर मोजेम्बिक करंट के कारण बारिश अच्छी खासी होती है कोस्टल इलाकों में, इसलिए वहां पे हमें कई तरह के पाम ट्रीज देखने को मिलते हैं। और यहाँ ऊंचे इलाकों में हमें मिलता है चेस्टनट, आयरन वुड और ब्लैक वुड्स। अगर चाइना और सदर्न जापान की बात करें तो वहां पे हमें मिलता है ओक, कैम्फर, कैमेलिया और मैग्नोलिया, लेकिन यहाँ पॉपुलेशन के प्रेशर के कारण डिफॉरेस्टेशन भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यूएस की अगर बात करें गल्फ स्टेट्स की तो वहां मिलते हैं हमें लोलैंड डेसिडुअस फॉरेस्ट, यहाँ पेड़ जो है वो बहुत घने होते हैं, वॉलनट, ओक, हिकरी, मेपल जो है वो यहाँ पे पाए जाते हैं और कुछ सैंडी इलाकों में पाइंस भी देखने को मिलते हैं। पर धीरे धीरे फॉरेस्ट जो है वो कम हो गए हैं और उनकी जगह जो है क्रॉप्स उगाई जाती हैं, कॉटन, मेज और दूसरे फ्रूट्स भी। अब बात करते हैं यहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। पहले देखते हैं मॉनसून चाइना के अंदर फार्मिंग के फीचर्स। यहाँ पे सबसे ज्यादा चावल उगाया जाता है। जो चावल यहाँ उगाया जाता है वो वेट पैडी या स्वैम्प राइस होता है, जो कि फील्ड्स को पहले फ्लड कर दिया जाता है पानी से और फिर उगाया जाता है। जो इरिगेशन के लिए पानी आता है वो मडी होता है रिवर बेसिन से और सिल्टी होता है और उसके कारण वो नया सॉयल इन फील्ड्स को बार बार लाकर दे देता है, इसलिए फर्टिलिटी जो है वो इतनी नहीं गिरती। इसके अलावा ये ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे कि राइस स्ट्रॉ, एशेस, एनिमल डंग वगैरह भी इसमें डालते हैं इसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। जो ज्यादातर फार्मिंग होती है वो होती है रिवर्स के बेसिन्स में, जैसे कि सी कियांग, यांगजे कियांग और हुआंगवो, और जो कोस्टल इलाके हैं वहाँ भी अच्छी खासी खेती होती है। अब अगर फ्लैट इलाके जो हैं, फ्लैट लैंड जो है वो नहीं मिलती तो हिली इलाकों में भी राइस कल्टीवेशन की जाती है, वहाँ पे टेरेस बना के अपलैंड्स में आर्टिफिशियल टेरेसेस क्रिएट किए जाते हैं जो कि पानी को रोक के रखते हैं। राइस के अलावा जो दूसरी क्रॉप्स इंपॉर्टेंट है वो है टी और मलबेरी लीव्स। अब बात करते हैं गल्फ स्टेट्स के एग्रीकल्चर की। यहाँ की जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं वो हैं कॉर्न, कॉटन और टोबैको। पहले बात करते हैं कॉर्न की।
ह्यूमिडिटी, गर्मी और बारिश, ये तीनों चीजें जो हैं कॉर्न के लिए अच्छी होती हैं। ये उगाया जाता है गल्फ कोस्ट से लेके मिड वेस्ट साउथ ऑफ ग्रेट लेक्स तक, और पूरी की पूरी यहाँ एक कॉर्न बेल्ट है जो कि नेब्रास्का, आयोवा, इंडियाना से लेकर ओहियो तक फैली हुई है। यहाँ पे जो कॉर्न उगाया जाता है ये ज्यादातर एनिमल्स के खाने के लिए उगाया जाता है, ताकि उन्हें मोटा किया जा सके और बाद में उन्हें बेचा जा सके मीट इंडस्ट्री के लिए। इसको जो उगाना आसान होता है और यील्ड जो है वो बहुत हाई रहती है। अगर फूड कंटेंट की बात करें, मोस्टली स्टार्च, तो ये लगभग दुगना हमें फूड दे देता है अगर हम वीट या दूसरे सीरियल से कंपेयर करेंगे तो। अब बात करते हैं कॉटन की। कॉटन भी यहाँ अच्छे खासे स्केल पे उगाया जाता है। इनफैक्ट अमेरिका की हिस्ट्री जो है वो कॉटन से काफी लिंक्ड है, क्योंकि अफ्रीका से स्लेव्स लाए जाते थे जो कि यहाँ आके कॉटन प्लांटेशंस में काम करते थे। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कॉटन ग्रोइंग के लिए बेस्ट होता है। जो ग्रोइंग सीजन है, गर्म सीजन, वो बहुत लंबा होता है, टेम्परेचर हाई रहता है, और बारिश जो होती है वो एनुअल रेनफॉल वो अच्छी खासी होती है। अगर बार बार बारिश होती रहे और बीच बीच में सनशाइन आती रहे तो वो कॉटन की यील्ड के लिए सबसे अच्छा होता है। यहाँ पे पूरी एक कॉटन बेल्ट भी है, लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा साउथ में जाएं तो वहां पर बारिश जरूरत से ज्यादा हो जाती है, जिससे कॉटन खराब हो जाती है। इसलिए इन इलाकों में ज्यादातर हमें सिट्रस फ्रूट्स, केन शुगर और गार्डनिंग देखने को मिलती है। कॉटन प्लांटेशन का एक दुश्मन होता है, वो है बॉल वीवल। इससे जो है इन्हें अपनी कॉटन को बचा के रखना पड़ता है। अब बात करते हैं टोबैको की। वर्जीनिया टोबैको जो है वो दुनिया भर में फेमस है। दुनिया भर की सिगरेट्स में इसका यूज किया जाता है। ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, गर्मी और बारिश जो है गल्फ स्टेट्स में, ये फायदेमंद होती है टोबैको की कल्टीवेशन के लिए। ये हमें देखने को मिलेगी वर्जीनिया, मैरीलैंड, जॉर्जिया, नॉर्थ एंड साउथ कैरोलिना, केंटकी और टेनेसे में। अब बात करते हैं क्रॉप कल्टीवेशन की सदर्न हेमिस्फीयर के ईस्टर्न मार्जिन्स में। वार्म और मॉइस्चर वाली गर्मियां और बिना बर्फ की सर्दियां जो है सपोर्ट करती हैं बहुत क्रॉप्स को और एनिमल्स को भी। जो नेटल के कोस्टल इलाके हैं वहाँ केन शुगर जो है वो बहुत ज्यादा उगाई जाती है, और कॉटन और टोबैको भी उगाए जाते हैं थोड़े अंदरूनी इलाकों में। मेज कल्टीवेशन भी हमें यहाँ देखने को मिलती है। साउथ अमेरिका के इलाकों में जहाँ 40 इंच से कम रेनफॉल होती है वहाँ पे ग्रासलैंड ज्यादा होते हैं, इसलिए वहाँ कैटल और शीप को रखना फायदेमंद होता है मीट, वूल और हाइड्स के लिए। अर्जेंटीनियन पैम्पास जैसे कुछ इलाके भी देखने को मिलते हैं, वहाँ पर ऐसा ज्यादा होता है। जो सर्दियां हैं वो इतनी कड़ाकेदार नहीं होती, इसलिए जानवरों को पूरे साल बाहर रखा जा सकता है। जो नेचुरल पेस्चर है वो खाने के लिए अवेलेबल रहता है कैटल और शीप के लिए। उरुग्वे में ये हमें ज्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ वीट और फ्लैक्स भी उगाए जाते हैं। अब अगर थोड़ा नॉर्थ में चलें तो सदर्न ब्राजील के इलाके में जो बारिश है वो बढ़ जाती है, 40 इंच के ऊपर देखने को मिलती है, तो जो ग्रासेस की जगह हमें फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो है कल्टीवेशन हमें देखने को मिलेगी पैराग्वे टी की, और लंबरिंग होती है यहाँ पराना पाइन की। कैटल और शीप की रेयरिंग यहाँ भी की जाती है, और मेज और केन शुगर उगाए जाते हैं। अगर ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पे जो मॉइस्चर वाली ट्रेड विंड्स हैं वो अच्छी खासी बारिश लाती हैं कोस्टल इलाकों में, और यहाँ घने पेड़ हमें देखने को मिलते हैं। बड़े बड़े यूकेलिप्टस ट्रीज जो हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे, पर जब यूरोपियन इमिग्रेंट्स यहाँ आए तो उन्होंने जंगलों को काट दिया अपने रहने और डेयरिंग के लिए, तो डेयरी जो है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन है, और यहाँ हमें मिल्क, बटर और चीज की प्रोडक्शन देखने को मिलती है। इसके अलावा कॉटन, केन शुगर और मेज जो है वो नॉर्थ में ज़्यादा उगाया जाता है। इस चैप्टर में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।